वन हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल 29 तारीख को लेट टीजीटी और पीआरटी की केवीएस ने कट ऑफ जारी कर दी है। जब से रिजल्ट आया था, बच्चे यही पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कब आएगी, कट ऑफ कब आएगी, हमें मिली नहीं है, आई है या नहीं आई है, आएगी भी या नहीं आएगी। आज की क्लास में हम लोग टीजीटी और पीआरटी की कट ऑफ की बात करेंगे, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी के मैथ, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, साइंस या दूसरे सब्जेक्ट हो। और दूसरी सबसे बात यह है कि ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर काफी ज्यादा है, 90 से 95 से 100 तक हैं, लेकिन फिर भी हमारा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का सीटेट पास नहीं था और अब की बार जो 2018 के अंदर सीटेट इन्होंने लिया है उसमें भी अगर आपने पास नहीं किया है तो आप लोगों के चाहे 150 में से 140 भी क्यों ना हो, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा। ये वजह उन बच्चों के लिए रही है जिन बच्चों का सीटेट पास नहीं था, ये आप लोगों को समझना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, अब कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, सबसे मेन चीज ये है कि आप लोगों को सीटेट करना पड़ेगा किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हो, आप लोगों को सीटेट जरूरी माना जाता है और करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को स्टडी मटेरियल की चीजें मैं बता दूंगा कि किस चीज को लेकर के आप 15-20 दिन के अंदर सीटेट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आज की कट ऑफ की बात करते हैं। दोस्तों, कल 29 तारीख को ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, 29/1/2019 को ये लिस्ट जारी कर दी है। द केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टेड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड पीआरटी टू बी रिक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और 14 नंबर जो एडवर्टाइजमेंट था आपका, 22 तारीख को और 23 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, ये कहता है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू, ये सब कुछ अवेलेबल है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज भी बता दूंगा। द एड्रेस ऑफ द वेन्यू, जो वेन्यू का जो प्रॉपर एड्रेस है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ही आएगा, ये तो यहां पर क्लियर किया गया है। दूसरी चीज अब देखते हैं थोड़ा सा, द वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू। टीजीटी हिंदी वालों का 14 फरवरी से 21 फरवरी तक लखनऊ के अंदर रहेगा, टीजीटी मैथ वालों का 14 फरवरी से 19 फरवरी तक गुड़गांव में रहेगा, टीजीटी साइंस वालों का 14 फरवरी से 18 फरवरी तक दिल्ली में रहेगा, टीजीटी सोशल साइंस का 14 फरवरी से 21 फरवरी तक जयपुर में रहेगा, इंग्लिश वालों का 14 से 20 फरवरी तक मुंबई में रहेगा और संस्कृत वालों का 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक चंडीगढ़ में रहेगा। और पीआरटी के कैंडिडेट जो कि ज्यादा हैं तो 24 को बाद शुरू होगा इनका, 25 से लेकर के 27, 25, 26, 27 को भोपाल में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में, नोएडा में, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव और चंडीगढ़, ये शहर हैं। 3 और 2 5 6 7 8 9 10, यानी पीआरटी का देश के 10 शहरों में होगा, 25 26 27 तीन डेट में, और बाकी का हिंदी का जैसे है, इंग्लिश का है, मैथ का है, साइंस का है, एसएसटी का है, ये आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। यानी सारे के सारे एसएसटी वाले जो है ना, टीजीटी वाले हो रही, इन सब का 14 से शुरू हो जाएगा, 14 से शुरू होकर के और आप लोगों का 21 तारीख तक निपट जाएगा, किसी का 21 तक, किसी का 18 तक, किसी का 19 तक, जितने भी कैंडिडेट जिस हिसाब से जहां पर लिए गए हैं। ये तो है आप लोगों का सीटी और डेट, यानी किस तारीख को इंटरव्यू होगा, बिल्कुल प्रॉपर जो है वो आपको अपने एडमिट कार्ड पे आ जाएगी। उसके बाद कट ऑफ देख लेते हैं। टीजीटी हिंदी की कट ऑफ जनरल की दोस्तों 74 है। हालांकि वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किसकी सीटें कितनी हैं, किसकी पोस्ट कितनी है, किसके कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं और क्या कट ऑफ रखा गया है, ताकि आप लोग अंदाजा लगा पाओ कि कितना कंपटीशन है। जनरल की 74 है, ओबीसी की 73 गई है, देखिए एससी भी 73 है, एसटी आपका 72 है और अदर वाला आपका 71 है, वीएच वाला आपका 68 है। अगर यहां आप देखते हैं ना तो ज्यादा गैप नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा गैप नजर क्यों नहीं आ रहा है भाई, गैप होगा कहां से, 150 नंबर का पेपर है
आप कट ऑफ बना रहे हैं 74 पे, यानी 50% से भी कम चाहिए आपको, और 50% से कम लेंगे तो सारे ही ले लेंगे ना, जनरल वाले भी आ जाएंगे, ओबीसी वाले भी, एसटी वाले भी, जैसे जैसे मेरिट नीचे जाती है वैसे वैसे जो कैटेगरी के अंदर जो बहुत ज्यादा गैप होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो संकीर्ण हो जाता है, नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। टीजीटी मैथ में देख लीजिए, 85 पे जनरल, 84 पे ओबीसी, 79 पे एससी, एसटी 72 पे और ओएच वाला 77 पे। टीजीटी साइंस में देखते हैं, 83 जनरल का है, 82 ओबीसी का है, 79 एससी का है और 72 एसटी का है। एसएसटी वालों के लिए 79 है जनरल, 78 है ओबीसी, 77 है एससी, 76 है एसटी, ओएच 76 है, वीएच 71 है। इंग्लिश वालों के लिए 78 जनरल है, ओबीसी 77 है, एससी का 73 है और एसटी का 64 है। संस्कृत 71 जनरल का है, 70 ओबीसी का है, एससी का 67, एसटी का 65 और पीआरटी का देख लीजिए 95 पे पीआरटी गया है जनरल का। ये मैंने पहले भी बताया था कि 90 और 95 के बीच रहेगा, ये हमने जब वीडियो डाली थी लोग कह रहे थे कि 80 से 85 आ जाएगा, 85 से 90 तो रोक ही नहीं सकता कोई। जिस दिन मैंने वीडियो डाली था, पिछली वीडियोज मेरी जाके देख सकते हैं, तो मैंने उस दिन कहा था कि 90 से लेकर के 95 के बीच रहेगा, 90 से नीचे आने का मतलब नहीं है, ये आप मान के चलें, और जनरल को बेस बनाकर कहा था। और इसमें आपको जनरल देख सकते हैं 95 है, ओबीसी 94 है, एससी का 88 है और एसटी का 79 है। तो यहां भी आप लोगों की कटलोफी लिस्ट आ चुकी है, इसके आधार पर देख सकते हैं। आगे ये भी दिखा दूंगा कि किस तरीके के आप लोगों का कंपटीशन होना, किसकी कितनी पोस्टें हैं और क्या रेशियो आया है। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मोर देन कट ऑफ मार्क्स, ये कहता है कि जिन कैंडिडेट का कट ऑफ लिस्ट से भी ज्यादा नंबर आए हैं, क्योंकि आंसर की आ चुकी थी, आपने मिलाए होंगे, अगर किसी बच्चे का जैसे पीआरटी में 95 है, किसी बच्चे का पीआरटी में 98 आया है और उसका शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो तो बोलेगा कि मेरा क्यों नहीं आया। तो यहाँ केवीएस ने कहा है, इन द रिटर्न टेस्ट अगर आपको 22-23 दिसंबर वाले में कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मिले हैं बट डिड नॉट क्वालिफाई द सीटेट आर नॉट एलिजिबल, अगर आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं था और ना हुआ है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। हालांकि They have not been shortlisted for interview, हालांकि उनको shortlist भी नहीं किया गया है interview के लिए। Result of written test for the post of PGT, TGT, PRT जो हुए थे उन सब का वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिया गया है। तो ये CTET वालों के लिए बुरी खबर है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जब इस कॉम्पिटिशन में, हालांकि एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ जो रेशियो है ना वो CTET से कम है। CTET पास करने के लिए आपको कितने चाहिए, 60% चाहिए, और यहाँ मेरिट कहाँ आया हुआ है, 50% पे आया हुआ है। हालांकि आप लोग, अगर आप लोग सीटेट नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग केवीएस में अच्छे नंबर ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सीटेट से भी आसान है केवीएस, सीटेट से भी आसान है। इंटरव्यू में थोड़ा सा जंप मार दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सीधा सा मजाक है ना। जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको छोड़ दिया गया है एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए या अपना सिर्फ थोड़ा सा पर्सनालिटी दिखाने के लिए, भाई ज्ञान की वैल्यू होनी चाहिए, ज्ञान न कि पर्सनालिटी। तो यहां बहुत कम मेरिट आया है, मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए, पीआरटी का ठीक है कुल मिलाकर के। उसके बाद अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम का केवीएस, एनवीएस, एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी सब के बारे में अगर आपको किसी भी एग्जाम का स्टडी मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजकर मंगवा सकते हैं। जिन साथियों का सीटेट नहीं हुआ है उनके लिए बता रहा हूं, आप लोगों को अगर चाहिए तो जल्दी से मंगवा करके फटाफट जुलाई की तैयारी कीजिए। 101% 90 नहीं, आप लोगों को 105 और 110 के आसपास मिलेंगे, गारंटी है। अब देख लेते हैं रेशियो क्या है। इंग्लिश शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है 1844, पोस्ट है 270 और जनरल में 137 है, ओबीसी में 72 है, एससी में 40 है और एसटी में 21 है। तो इसका मतलब यहां जो रेशियो है वो रेशियो आप लोगों का 8 गुना के आसपास है, यानी काफी ज्यादा है, 6.5 गुना के आसपास है, काफी टफ है। और इंटरव्यू आपका मुंबई के अंदर होगा। हिंदी वालों के लिए 2130 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, पोस्ट हैं 265 आपके, जनरल में 134 है, ओबीसी 71 है, एससी 40 है, एसटी 20 है। तो यहां जो आप लोगों का जो मुकाबला है वो 8 गुणा के साथ है, 8 गुणा कैंडिडेट को पास किया गया है एग्जाम के अंदर, यानी एक कैंडिडेट को इलेक्शन लेने के लिए 7 लोगों को परे करना पड़ेगा। लखनऊ
में आपका इंटरव्यू होगा। पीजीटी एसएसटी वालों का रेशियो देखिए, 2222 पोस्ट है, शॉर्ट लिस्टेड है, टोटल पोस्ट है 434। तो यहां भी अगर आप लोगों को साफ साफ नजर आता है कि 5.5 से 5.5 गुना आपके कैंडिडेट निकाले गए हैं। जनरल 219 पोस्ट, ओबीसी 118 पोस्ट, एससी 65, एसटी आपका 33, और आप लोगों का इंटरव्यू होगा लखनऊ के अंदर, ये आपको बताया जा चुका है। सबसे मेन चीज ये है कि आप लोग जल्दी से तैयारी शुरू कीजिए, इंटरव्यू वाले बच्चे वीडियोस देखिए, अलग अलग चैनल की बहुत जबरदस्त वीडियोस आई है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी से तैयारी कीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए, करंट अफेयर्स कुछ देखिए, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखिए, और इंटरव्यू के लिए अपना डेमो बना लीजिए, बायोवाया आपका जो इंटरव्यू है, बायोडाटाज है, उसको फिलअप कर लीजिए, बाकी कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। आप लोग सिर्फ हौसले का, अपने हाजिर जवाबी का और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का जवाब अगर वहां पर जवाब देंगे तो सब कुछ ओके रहेगा। जिन साथियों को आने वाले, क्योंकि केवीएस 2019 में भी आना है, डीएसएस भी आ रहा है, सीटेट की डेट आ चुकी है, दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम भी आएंगे, एनवीएस का सिर्फ पीजीटी और प्रिंसिपल का आया है, पीआरटी टीजीटी भी आना है 2019 के अंदर, तो अगर उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम और सब्जेक्ट भेज सकते हैं, आप लोगों को समय समय पर अपडेट कर दिया जाएगा। 8447410108। और किसी साथी को स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे सीटेट का है चाहे दूसरा है, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को सबसे पहली बात है कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हुआ है आप टेंशन मत लीजिए, अब 2019 आ चुका है, दोबारा वैकेंसियां सब दरदर आएंगी, आप लोगों का भी 100% होकर रहेगा। ये आप लोगों को बस तैयारी थोड़ी सी अच्छी करनी है, तैयारी अच्छी रहेगी तो रिजल्ट सुनहरे होंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।